NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम टॉर्च बेचने वाले। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनकी व्यंग्य रचनाओं में सामाजिक विडंबनाओं पर करारी चोट है। इस कहानी में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर कड़ा प्रहार किया है। वो पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वो नहीं दिखा, अचानक कल फिर दिखा। मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मन में जिज्ञासा उठी, जरा हालचाल पूछूं। अरे भाई, कहाँ रहे इतने दिन? ये दाढ़ी क्यों बना रखी है? बाहर गया था। आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? अरे वो काम तो कब का बंद कर दिया। ओ, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। अच्छा, ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरह काम चोरी पर उतर आता है। अरे किससे दीक्षा ले आए? देखिए, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचा कर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या पत्नी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? चीप, क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? आपके सब अंदाजे गलत हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस एक घटना हो गई है जिसने जीवन ही बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। हाँ, पर आज ही मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ले सारा किस्सा सुना देता हूँ। पांच साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता एक सवाल खड़ा था, और वो सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। अरे दोस्त, ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर लें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। पांच साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहां मिले। दोस्त, साथ ही क्यों ना चलें? नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। अच्छा। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और कहता, साहिबान, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता और वो भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिन जाते हैं, आसपास भयानक अंधेरा है, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है जनाब, और साहिबान वो मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है, जब लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों बहनों,
ये सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी तो है। ऐसे बात तो सच है। और वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। साहिबान, कदरदान, हमारी सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है जो अंधेरे को दूर भगा देता है। जिन भाइयों को चाहिए वो हाथ ऊंचा करें। अरे वाह, क्या रोशनी है। एक और लूंगी। और साहब, मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, मगर वो नहीं आया। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। यही तो पहुंचना था, यही तो जाना था। कहां जाओ, कहां खोजूं उसे। भक्तजनों, शांत शांत सब लोग कृपया शांति से अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुजी आने ही वाले हैं। देखो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, देखो गुरुजी, देखो गुरुजी, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। कैसा भव्य स्वरूप है गुरु जी का। गुरु जी आशीर्वाद दे दो। गुरु जी रेशमी वस्त्र, सवारी हुई लंबी दाढ़ी, लंबे केश, कितने तेजस्वी है, कितने तेजस्वी है। मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। ये युग ही अंधकारमय है। मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। आज आत्मा में भी अंधकार है। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं। शांति बनाए रखिए। क्यों हंस रहे हैं आप? चुप होकर बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं गुरु जी, ध्यान से सुनिए। जी जी जी। भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूं। उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है, वही ज्ञान चर्चा होगी। अरे यार, तू तो बिल्कुल बदल गया है। इतना बड़ा बंगला, गाड़ी है, क्या ठाड़वाड़ है, क्या बात है, है? परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है बच्चा। यार ये फलसफा मत भगा, ये बता कि तूने इतनी दौलत कमा कैसे ली 5 सालों में।
तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? तुझे ऐसा क्यों लगता है? देख, जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है बस। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी तो लोगों को अभी अंधेरे का डर दिखा रहा था ना, क्या तू भी टॉर्च बेचता है? तुम मुझे नहीं जानते, मैं साधु दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। बता बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है तू? अरे बात तो तेरी ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है। अच्छा, सनातन है। सनातन? कहाँ है तेरी दुकान? अच्छा, नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखाना यार। देख, मेरी सूरज छाप टॉर्च से क्या बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी? अरे उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। अच्छा, वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म? हाँ, मगर उसकी कीमत बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रहे, तुझे मैं सब समझा देता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक, फिर तो रहूंगा मैं। तो साहब, दो दिन मैं उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। हाँ, बस एक महीने की देर और है। तो अब कौन सा धंधा करोगे? धंधा तो वही करूंगा साहब, यानी टॉर्च बेचूंगा। बस कंपनी बदल रहा हूँ। कंपनी बदल रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई की रचना टॉर्च बेचने वाले। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, प्रवीण शर्मा और नीरज शर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर संध्या सिंह, प्रोफेसर नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। आभार अजीत होरो। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।